हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑटोमोटिव एक्टिव। गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, जिसे आप भी अपनी पसंद बना सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस समय भारत में बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक कौन सी है। तो लिस्ट में नंबर वन पे है एथर 450X जेन 3। एथर एनर्जी ने जुलाई 2022 में ही नया 2022 एथर 450X जेन 3 इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है। ये 2021 में लॉन्च हुए एथर 450X जेन 2 के मुकाबले ज्यादा रेंज देता है और बेहतर स्पेक्स के साथ आता है। जेन 3 सिंगल चार्ज में 146 किलोमीटर की रेंज देते हैं और इसमें रैप, स्पोर्ट, राइड, स्मार्ट इको एंड इको मोड भी है। इसके साथ ही इसमें 3.7 किलोवाट की बैटरी है, जिसे चार्ज होने में 5 घंटे और 40 मिनट का समय लगता है। इसके अलावा इसमें 6 किलोवाट 26 NM की PMS मोटर है। सामने 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है, जिस पर स्पीड, चार्जिंग, कनेक्टिविटी, रेंज जैसी सारी जरूरी जानकारी नजर आती है। एथर 450X जेन 3 की कीमत 165 लाख रुपए से शुरू है। सेकंड नंबर पे आता है ओला S1 एयर। ओला S1 एयर को फरवरी 2023 में पेश किया गया था, हालांकि ये इसकी सेल और उपलब्धता 2023 जुलाई से शुरू हुई है। ये इलेक्ट्रिक स्कूटर 2 किलोवाट, 3 किलोवाट एंड 4 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आता है, जो आपको 85 किलोमीटर, 125 किलोमीटर साथ ही 165 किलोमीटर की रेंज देता है। इन बैटरी में से आप जो भी चुनते हैं, उसके अनुसार उन्हें चार्ज होने में 4 घंटे से लेके 6 घंटे तक का समय लगता है। इसके अलावा ओला S1 एयर में 4.5 किलोवाट की मोटर है और कंपनी का दावा है कि ये 85 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार तक जा सकती है। इसमें आपको टोटल 3 राइडिंग मोड दिए गए हैं, जिसमें इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स आता है। 7.0 इंच की TFT टच स्क्रीन डिस्प्ले दी गई है, रिवर्स मोड है और भी बहुत सारे फीचर्स इसमें देखने को मिलेगा। इसकी प्राइस 85 लाख रुपीज से लेकर के 1,10,000 रुपए तक है। थर्ड नंबर पे आती है ओला कंपनी की ओला S1 एंड S1 प्रो। ओला S1 और S1 Pro को 2022 में लॉन्च किया गया है। इसमें से बेस मॉडल ओला S1 की प्रोडक्शन फिलहाल रुकी हुई है और S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर भारत में उपलब्ध है। सिंगल चार्ज में ओला S1 Pro आपको 181 किलोमीटर की काफी अच्छी रेंज प्रोवाइड करती है और इसकी मैक्सिमम स्पीड है 115 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें भी आपको 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले मिल जाएगी और ये कीलेस यानी कि बिना चाबी की टेक्नोलॉजी पर बनी है। ओला S1 Pro की एक शोरूम कीमत 1,29,000 रुपए है। साथ ही आप इस पर सरकार द्वारा लागू किए गए सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं, जो कि हर शहर के अनुसार अलग अलग है। फोर्थ नंबर पे आता है TVS X। TVS X इस समय बेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर की सूची की सबसे महंगी इलेक्ट्रिक बाइक है। इसका डिजाइन बिल्कुल एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह है और काफी स्टाइलिश है। TVS X इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 140 किलोमीटर की रेंज देने में सक्षम है। इसमें 4.4 किलोवाट की बैटरी है, जिसे आप 950 वाट के चार्जर से लगभग 4.5 घंटे में चार्ज कर सकते हैं। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 11 किलोवाट पावर के साथ 40 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, जो कि काफी पावरफुल है। इसके अलावा ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी करता है। 3 किलोवाट के चार्जर से इसकी बैटरी 0 से 50% तक लगभग 50 मिनट में चार्ज हो जाती है। इसमें आपको 10.25 इंच के HD डिस्प्ले दिए गए हैं और एक्स शोरूम प्राइस की बात करें तो 2.50 लाख रुपीस एक्स शोरूम कीमत है। फिफ्थ नंबर पे आता है हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CX। सबसे पहली बात, हीरो इलेक्ट्रिक और हीरो मोटरकॉर्प अलग अलग कंपनी है और ऑप्टिमा CX हीरो इलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक स्कूटर है। हीरो इलेक्ट्रिक ऑप्टिमा CX एक ड्यूअल बैटरी स्कूटर है, जो 140 किलोमीटर की रेंज देता है। इसमें आने वाली बैटरी को आप अलग निकाल के भी चार्ज कर सकते हैं, जो काफी सुविधाजनक है। इसके लिए आपको अलग से चार्जिंग स्टेशन लगवाने की जरूरत नहीं है। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की मैक्सिमम स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और एक्स शोरूम प्राइस है 85 लाख रुपीस।
इसमें कई टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिए गए हैं, यूएसबी पोर्ट भी दिया गया है जिससे आप अपने स्कूटर पे भी अपनी मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। सिक्स नंबर पे आता है एथर 450S। 1 जून 2023 में फेम 2 लागू होने के बाद एथर एनर्जी ने अपने स्कूटर एथर 450X का सस्ता मॉडल निकाला है जिसका नाम है एथर 450S। इसकी कीमत 1,29,000 रुपए से शुरू होती है। एथर 450S अधिकतम 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देती है। इसमें 450X की 3.7 किलोवाट की मुकाबले 3 किलोवाट की बैटरी दी गई है, इसलिए इसकी रेंज थोड़ी कम है। ये एक बार फुल चार्ज करने पर 115 किलोमीटर की रेंज देती है। सातवें नंबर पे आता है बजाज चेतक। भारत के 90 के दशक के चहेते बजाज चेतक को एक नए इलेक्ट्रिक स्कूटर के रूप में लाया गया है। इसको थोड़ा पुराने बजाज चेतक के जैसा डिजाइन किया गया है और ये एक स्टील बॉडी में आता है। इसमें 4 किलोवाट की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है और 16 Nm का टॉर्क दिया गया है। मैक्सिमम स्पीड है 78 किलोवाट प्रति घंटा। फुल चार्ज होने पर इसमें रेंज 95 किलोमीटर की दी गई है। 3 किलोवाट की बैटरी दी गई है जिसे चार्ज होने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है और ये बैटरी IP67 रेटिंग के साथ आएगी। कंपनी के अनुसार ये 7 सालों में 70,000 किलोमीटर तक चल सकती है। बजाज चेतक में 2 मॉडल आ रहे हैं, प्रीमियम और अर्बन, जिसकी एक शोरूम कीमत है 1,47,775 रुपए। 8 नंबर पे आती है TVS iQube ST। TVS भारत में दो पहिया वाहनों की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक कंपनी है। TVS iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर में एक नया स्कूटर TVS iQube ST जोड़ा गया है जो कि आपको पूरे 100 किलोमीटर की रेंज देती है। इसमें आपको बूट स्पेस भी काफी ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा इसमें आपको 7 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले, Amazon Alexa, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, म्यूजिक प्लेबैक, स्क्रीन पर सभी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। फुल चार्ज होने पर परफॉर्मेंस मोड में आप 110 किलोमीटर तक की रेंज पा सकते हैं। साथ ही अगर आप इसे इकोनॉमी मोड पे चलाते हैं तो 145 किलोमीटर तक रेंज पा सकते हैं। TVS iQube ST की कीमत दिल्ली में 1,09,000 रुपए से शुरू है। 9th नंबर पे आता है हीरो इलेक्ट्रिक फोटोन HX। इस गाड़ी में भी आपको कई नए फीचर्स दिए गए हैं जिसमें 26 Ah की बैटरी और 1.8 किलोवाट की मोटर दी गई है। इसकी मैक्सिमम स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, साथ ही 108 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। बैटरी को फुल चार्ज करने में लगभग 5 घंटे का समय लगता है। इसकी दिल्ली एक्स शोरूम प्राइस है 74,240 रुपए और इसमें आपको फेम 2 सब्सिडी भी शामिल है। 10th नंबर पे आता है नई सिंपल वन। पुरानी का अपग्रेडेड वर्जन है जो मार्च 2022 में लॉन्च हुई है। ये एक फुल चार्ज में 300 किलोमीटर तक दौड़ सकती है। पुराने सिंपल वन के मुकाबले ये 64 किलोमीटर तक ज्यादा चलती है। साथ ही इस 8.5 किलोवाट की मोटर है जो कि 72 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करती है। नई सिंपल वन के साथ एक 30 लीटर तक का एक बहुत बड़ा बूट स्पेस मिलता है। इसके अलावा इसमें कॉल, म्यूजिक कंट्रोल जैसी फीचर्स भी दी गई हैं। आगे टच स्क्रीन डिस्प्ले और आप राइडिंग मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। न्यू सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर की एक्स शोरूम प्राइस है 1,44,990 रुपीज। सो गाइज, ये था हमारा टॉप 10 इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।